अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का क्विज नंबर वन, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हर वन पेपर एमसीक्यू के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने ये वीडियो जो है वो पूरी देखनी है। आपके पास कोई भी सजेशन हो तो वो आप जो है वो कॉमेंट्स में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर वन के साथ। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। कब जो है जॉन नेपियर ने लॉगरिथम को डेवलप किया? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 1416, 1614, 1641 या 1804। तो इसका आंसर हमारे पास है 1614। तो आपने याद रखना है कि जॉन नेपियर ने लॉगरिथम जो है वो 1614 में डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ नॉर्मल सीडी रोम यूजली कैन स्टोर अप टू डेटा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीडी रोम की एब्रीवेशन भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है। सिंपल सीडी की भी पूछी जा सकती है, सिंपल रोम की भी पूछी जा सकती है। तो पहले हम बात करते हैं सीडी की। सीडी की एब्रीवेशन होती है कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। और रोम की अगर हम एब्रीवेशन की बात करें तो रोम की एब्रीवेशन है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह समटाइम्स रैम की भी एब्रीवेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो उसकी एब्रीवेशन होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अब हम आते हैं कि एक जो नॉर्मल सीडी रोम होता है यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है वो कितने डाटा स्टोर कर सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 680 KB, 680 bytes, 680 MB या 680 GB। तो इसका आंसर हमारे पास है 680 MB। तो आपने याद रखना है कि जो नॉर्मल सीडी रोम होता है वो जो है 680 MB तक जो डाटा वो स्टोर कर सकता है। समटाइम्स आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर ऑप्शन मिलेगा 700 MB, तो फिर जो करेक्ट आंसर होगा वो 700 MB होगा। उसमें फिर ये आपके पास ऑप्शन नहीं होगा 680 MB का। तो 680 to 700 MB तक जो डाटा है वो सीडी रोम जो है वो स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ATM stands for, ATM की एब्रीवेशन क्या है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक टॉकिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनालॉग टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीन। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो आपने याद रखना है कि ATM stands for ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थे? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप्स, ट्रांजिस्टर या बायोचिप्स। तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रांजिस्टर। तो आपने याद रखना है कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है दे वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज मेड विद। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो किस चीज से बनाए गए? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप्स, आईसी या बायोचिप्स। इधर आप देख रहे होंगे कि आईसी क्या चीज है, तो आईसी कहते हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आईसी की आपसे एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आईसी से मुराद है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसका आंसर हमारे पास है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज मेड विद आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बायोस इज द एब्रीवेशन ऑफ। बायोस जो है वो किसकी एब्रीवेशन है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल या बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर हमारे पास है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये चीज आपने याद रखनी कि बायोस की जो एब्रीवेशन है वो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू सी अ सिंगल पॉइंट इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। आप एक सिंगल पॉइंट को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या कहेंगे? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, सेल, एलिमेंट, पिक्सल, बिट। तो इसका आंसर हमारे पास है पिक्सल। तो हम जो है एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक सिंगल पॉइंट को हम कहेंगे पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ आर द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड। हम जो कंप्यूटर की जनरेशन को क्लासिफाई करते हैं किस बेस पर करते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, बाय द डिवाइस यूज इन मेमोरी एंड प्रोसेसर, बाय द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, बाय द मॉडल ऑफ द कंप्यूटर या बाय द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर हमारे पास है बाय द डिवाइस यूज इन मेमोरी एंड प्रोसेसर। सो हाउ, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ कैन वी क्लासिफाई द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो हम उस बेस पे करते हैं जो कि हमने डिवाइस यूज किया है मेमोरी और प्रोसेसर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फ्रॉम विच डिवाइस मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो कौन सी डिवाइस है जिसके थ्रू जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, कीबोर्ड, सिस्टम बस, मोनिटर या मेमरी। तो इसका आंसर हमारे पास है सिस्टम बस। तो आपने याद रखना है कि सिस्टम बस इज सच अ डिवाइस जिसके थ्रू जो मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर है वो एक दूसरे से के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज अ वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट। कौन सा वैलिड प्रोग्राम है जिसे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, एक्सेस, फ्रंट पेज,
विंडोज एक्सप्लोरर या नेटस्केप। तो इसका आंसर हमारे पास है नेटस्केप। कहीं पे आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा वेब ब्राउजर का, ठीक है। तो बेसिकली नेटस्केप और वेब ब्राउजर एक ही चीज़ है, तो आपने इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपके पास वेब ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, और अगर नेटस्केप का आ रहा है तो आप नेटस्केप को सिलेक्ट कर लें। सो नेटस्केप और वेब ब्राउजर इज अ वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को हम क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी हमने जो क्वेश्चन देखे वो हमारे रिवाइज हो जाए एक दफ़ा। तो क्विक रिव्यू जो है वो बहुत ज़रूरी है। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम? 1614। A normal CD-ROM usually can store up to data 680 to 700 MB. ATM stands for Automatic Teller Machine. The second generation computer was based on transistor. The third generation computer was made with IC, yani ki integrated circuits. BIOS is the abbreviation of Basic Input Output System. What do you see a single point on a computer screen? Pixel. How was the generation of a computer classified by the device used in memory and processor? From which device main component of the computer communicate with each other? System bus. Which is a valid program to access the internet? Netscape or web browser. तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।